शिव कुमार वर्मा ट्रेडर्स चैनल्स पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं फ्री में चैनल के मेंबर बनकर। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग इन ट्रेडिंग। चैनल का 5F रूल हमेशा ध्यान रखिए। एक स्टॉक में 5% से ज्यादा निवेश करने की हमारा चैनल सलाह नहीं देगा आपको किसी भी स्टॉक में। और अगर हमारी ट्रेड्स को कॉपी करना है तो बहुत आसान है, 299 का एडवांस पैकेज ले लीजिए हमारे साथ यूट्यूब के पेड मेंबर बनकर और आपको सारी डिटेल मिलती रहेंगी। सबसे पहले बात करेंगे यस बैंक के बारे में। यहां पर आज काफी अच्छी खुशखबरी आने की उम्मीद है। यहां पर यस बैंक की तरफ से ईजीएम आज चल रही है और साथ साथ में ब्रोकरेज का अपडेट आया है। ईजीएम में यहां पर जो फंडिंग का अप्रूवल चल रहा है उसके बारे में डिसीजन लिया जाएगा। तो देखिए आज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ईजीएम जो अप्रूवल के लिए है शेयर होल्डर के लिए 8,900 करोड़ रुपए प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर कार्ले ग्रुप एंड एडवांट इंटरनेशनल दोनों से लेकर होगा इसका अप्रूवल। और यहां पर ये अप्रूवल बहुत ही पॉजिटिव माना जाएगा। इनको मच नीडेड कैपिटल मिलेगा लो कॉस्ट फॉर देम। तो ये अप्रूवल विल बी सीन पॉजिटिव ट्रेंड हमारे हिसाब से। और डिश टीवी का सागा भी यहां पर थोड़ा सा नरम रुख कर रहा है। अब आपको पता होगा यस टीवी में यस बैंक चाहता था डिश टीवी में उनके दो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बने क्योंकि उनके स्टेज है यहां पर डिश टीवी ने उसको एग्री नहीं किया था जी के ऑनर के थ्रू से। और यहां पर अब ये इन दो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए थिंग्स हैव सॉर्टेड आउट और यहां पर जी के ग्रुप ने अनाउंस कर दिया है कि दे आर हैप्पी टू ऑनबोर्ड टू डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन बिहाफ ऑफ यस बैंक। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव खबर मानी जाएगी डिश टीवी की तरह से भी। यहां पर अब थोड़ा गवर्नेंस आ सकता है डिश टीवी में। साथ साथ में ब्रोकरेज हाउस जेएम फाइनेंशियल्स ने यहां पर होल्ड करने की रेटिंग रिकमेंड दी है इसको। और इनके हिसाब से जो FY23 बुक वैल्यू लग रही है शेयर की ये इनके हिसाब से आगे चलकर होल्ड रेटिंग है और टारगेट 16 रुपए के ऊपर रहेगा इसका। ये आपको पता ही होगा जेएम फाइनेंस एक लोन बुक फॉर ग्रैनुलर लेवल पर इन्होंने इसका कहा है कि राइट डायरेक्शन में चल रहा है और रिटेल एंड एमएसएमई फॉर्मिंग 62% ऑफ द बुक जो कि एक स्टेबल बुक माना जाएगा 44% यहां पर जो पहले था। तो रिटेल में इनका अच्छा प्रभाव चलता जा रहा है। कॉरपोरेट की लोन बुक जो है 56% से गिरकर 38% आएगी क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा डिफॉल्ट आता है, बात समझिए। तो ये रिटेल के लिए अच्छा है इनका पोजीशन। फंड्स की अगर बात करें तो आर्क के थ्रू 48,000 करोड़ रुपए की बात चल रही है यहां पर आर्क बनाने के लिए और साथ साथ में जो 8,900 करोड़ दोनों देंगे ये भी इनके लिए काफी पॉजिटिव खबर मानी जाएगी हमारे हिसाब से। तो ROA 0.4% और साथ साथ में ROE 3.4% टू 5% सब्सिक्वेंटली ये ग्रेजुअली बिल्ड करने की तैयारी कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2025 तक। तो ये हमारे हिसाब से मोमेंटम सही रहेगा और फीस इनकम भी बढ़ेगी और लो क्रेडिट कॉस्ट होने की वजह से जेएम फाइनेंशियल ने इसको एक काफ़ी पॉजिटिव ट्रेंड में आगे के लिए बताया है। तो देखिए ये स्टॉक काफ़ी अच्छी तरह से एक्टिव कर रहा है, एक्यूमुलेट कर रहे हैं यहाँ पर FII इसको और ये एक बहुत अच्छे तरह से स्टेबल बनकर ऊपर जा रहा है। ऐसा नहीं कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाएगा, आपको स्लोली स्लोली ग्रेजुअली ऊपर जाएगा। इसमें कोई एक्सपोनेंट रिटर्न की आप एक्सपेक्टेशन मत कीजिएगा बट उम्मीद लगाई जाएगी बहुत जल्दी ये फिर से 21 के लेवल के ऊपर जाएगा। यहाँ पर समझिए काफ़ी बड़े लेवल पर म्यूचुअल फंड ने इसको खरीदा है, पहले 12 रुपये फिर 13 रुपये फिर 14 रुपये, तो अब ये 14 रुपये एक मेन बेस बन गया है। NPA के ऊपर भी इनका कारोबार चल रहा है जो कि इनके लिए पॉजिटिव रहेगा हमारे हिसाब से। फेस्टिव सीजन बहुत ही पॉजिटिव ट्रिगर मोमेंटम करेगा बैंकिंग सेक्टर के लिए। यहाँ पर मानसून भी 15% ज़्यादा हुआ है तो ये अच्छी बात मानी जाएगी। लोग बाग अपनी शादियां, बच्चों की शादियां या फिर जैसे जैसे अपना कारोबार करना है उनको वो अच्छी तरह से लोन लेंगे तो बैंक के लिए पॉजिटिव है। साथ साथ में इन्होंने कैसलर के साथ में ग्लोबल एस्क्रो बैंकिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं जो डिजिटल एस्क्रो सर्विस या अपने ये बैंक के कस्टमर को प्रोवाइड करने की ऑफर दी है और ये क्रॉस बॉर्डर एस्क्रो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है हमारे हिसाब से। ब्रोकर्स का व्यू इसकी बाय रिकमेंडेशन है जो कि पॉजिटिव माना जाएगा। वैल्यूएशन दृष्टि से ये 15 रुपये के आसपास बहुत ही बढ़िया मीन फेयर वैल्यू में आपको मिल रहा है। अगर आप चाहें तो इसको खरीद सकते हैं उस लेवल पर। अगर हम बात करें व्हाट वी लाइक, इनकी सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रेवेन्यू बहुत अच्छी तरह जनरेट करें इंक्लूडिंग इनकी फीस अर्निंग। बट क्या हमें नहीं पसंद है, इनकी नेट इंटरेस्ट मार्जिन थोड़ा सा भी कम चल रहा है जो कि PSU से भी कम है। PSU का जनरली 3 से 4 होता है, इनका 2 से 3 के आसपास है तो ये इनको थोड़ा सा कम है। रिटेल निवेशक ध्यान रखिए, अगर आप स्टॉक में निवेश करते हैं तो आपको उसकी फाइनेंशियल एज वेल एज टेक्निकल काफ़ी अच्छा रखना चाहिए। तो इनके पास में डिजिटल बैंकिंग अवेलेबल है यहाँ पर। और अगर हम यस बैंक की बात करें तो यस बैंक की मार्केट कैप 41,000 करोड़ की है।
तो आप चाहें तो इसमें अप टू 5% तक का निवेश कर सकते हैं। ये एक पॉजिटिव ट्रेंड की तरह से चल रहा है और डेली इसमें करीब करीब 20 करोड़ शेयर एवरेज वॉल्यूम अगर देखा जाए इसका, तो यहाँ से करीब करीब इसका 20 करोड़ शेयर हैंड एक्सचेंज होते हैं येस बैंक में, तो काफ़ी लिक्विड स्टॉक माना जाएगा। आप अपने पोर्टफोलियो का 5% तक हिस्सा इसमें निवेश कर सकते हैं। एक स्टार परफॉर्मर बनेगा आगे चलकर हमारे हिसाब से लॉन्ग टर्म में। एकदम ऐसा मत एक्सपेक्ट कीजिए कि कल को ही इसमें मल्टीबैगर रिटर्न दिखने जा गया है, ये स्लोली स्लोली ग्रेजुअली मूव करेगा। अगर आप इसके रिवेन्यू देखें तो रिवेन्यू 2022 में इनके 19,000 करोड़ रुपए का रिवेन्यू जनरेट किया है, तो ये उस हिसाब से काफ़ी अंडर वैल्यू स्टॉक लग रहा है अभी के लिए। और यहाँ पर 2020 में इन्होंने प्रॉफिट दिखाया है सबसे पहली बार जब से आपका येस बैंक का राणा कपूर जी का सागा चला था, उसके बाद से ये यहाँ पर इसने अच्छी रिकवरी दिखाई है, 1,000 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है इस बार। प्रमोटर होल्डिंग कुछ नहीं है इसमें, यहाँ पर FII की 11% की होल्डिंग, DII की 43% जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंक्लूडेड है, और पब्लिक की 44% की होल्डिंग है इसमें। अगर हम कुछ फाइनेंशियल्स इसके देखें तो बैलेंस शीट के अकॉर्डिंगली इसकी करंट शेयर होल्डिंग कैपिटल 2018 से 25,000 करोड़ से बढ़कर 33,000 करोड़ हो गई है ऑथराइज्ड कैपिटल जो उन्होंने रखी हुई है यहाँ पर। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसकी करंट लाइबिलिटीज़ जो है ये करंटली 11,000 करोड़ से बढ़कर 15,000 करोड़ हो गई है, और ओवरऑल इसकी कैपिटल प्लस एनुअल लाइबिलिटी जो है वो 318 करोड़ की है कंपेयर टू 312 करोड़ के, तो उसमें कोई ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ है, ये अच्छी बात मानी जाएगी यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ लाइबिलिटी। और एसेट्स की बात करें जो इनके करंट एनुअल एसेट्स हैं वो 264 करोड़ के आसपास है, जो पिछले 3 सालों में सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव मोमेंटम रहा है। अगर हम टोटल एसेट एनुअल देखें तो वो भी सबसे अच्छा रहा है इनका, पिछले 3 सालों में 318,000 करोड़ का इनका करंट एसेट है, तो ये फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन रहा है उस पैरामीटर के बेसिस पर। अगर यहाँ पर देखें येस बैंक का शेयर आज बंद होते थे 16.65 रुपये पर बंद हुआ है, और ये एक स्टॉक है जो बहुत जल्दी इसने अपना 50 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है, तो ये पॉजिटिव टेरिटरी में घुस चुका है। अब लग रहा है फिर से बहुत जल्दी 17-18 का लेवल क्रॉस करके 21-22 तक का लेवल पहुँचेगा ये। अगर हम इंडिविजुअल लेवल पर देखा जाए तो वॉल्यूम की दृष्टि से इसका करीब 114 मिलियन शेयर हैंड एक्सचेंज हुए हैं यहाँ पर, जो कि पॉजिटिव माना जाएगा। साथ साथ में एलिगेटर इंडिकेटर के बेसिस पर इसने यहाँ पर पॉजिटिव ट्रेंड रखा हुआ है जो साथ में इसको पुश कर रहा है। बुलिंजर बैंड को देखें तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट लिया है इसने, जब हमने कहा था यहाँ पर मत खरीदिएगा, तो यहाँ से सबसे पहले इसका मीन के पास जाना था जो कि 15 के आसपास था, वही सही हुआ, और अब ये फिर से ऊपर 17 रुपये क्रॉस करके फिर से 21 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। मोमेंटम इसका अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में चल रहा है। सुपर ट्रेंड के बेसिस पर भी 14 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगाकर इसमें लॉन्ग रह सकते हैं। RSI 64 जो कि स्लाइटली पॉजिटिव है। MACD यहाँ पर हल्का सा सेल सिग्नल जनरेट किया हुआ है, बट बहुत जल्दी ये भी बाय सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा हमारे हिसाब से। 2% से 5% की लिमिट हर स्टॉक में अपने पास रखिएगा। टेक्निकली ये काफ़ी अच्छी पोजिशन पर है। यहाँ पर हमारे साथ जुड़ना है तो ट्रेनिंग के लिए मेल ड्रॉप करेंगे। जय हिंद।